जाके स्पेस जानते हैं जाते हैं तो करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको शर्ट चेंज करता हूं तो अपने शर्ट के साथ अपने कपड़े में से जेब में से 10 रुपए का नोट निकाल कर एक पेन भी रखता हूं, वो भी निकाल कर दूसरी शर्ट में रख लेता हूं। ऐसे 2 से 3 महीने से कंटिन्यू काम हो रहा है। ये 10 रुपए का नोट मेरे पास 2 महीने से मेरी जेब में पड़ा हुआ है। जब भी मैं दुकान पर जाता हूं और इसको दुकानदार को देता हूं तो दुकानदार मुझे 10 ही रुपए का, अगर ये 10 रुपए मैंने शेयर मार्केट में 10.5 हो सकता, जो आप करना भूल जाते हैं। आज आप हमसे जुड़े हैं एग्जाम शाला के यूट्यूब चैनल पर, इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर मैं पैसे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं। जब आप पैसे नहीं कमाते हैं पर आपका उद्देश्य रहता है कि आप पैसे कमाएं, तब आपके जीवन में एक चीज जो सबसे ज्यादा काम करती है वो है समय और एनर्जी। अगर आप समय और एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं तो आउटपुट जिस चीज की आप तलाश में होते हैं वो जरूर मिलता है। नमस्ते, मैं हरेंद्र सिंह तोमर एग्जाम शाला के यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने करंट अफेयर शो में, जिसमें आज हम पूरे वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। देखिए आज के लेक्चर में आप करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी जानेंगे और कुछ जो आज तक चीजें चल रही थी आपके दिमाग में डाउट्स कि कैसे जनरल अवेयरनेस को पढ़े, कैसे करंट अफेयर्स को पढ़े, वो सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। साहब आप सभी का स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक पहुंचा दें। मुझे पता है कि 1 घंटे 2 घंटे के सेशन में पूरा करंट अफेयर कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो मैं आज बताऊंगा कि आप कैसे पॉसिबल बनाएं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल तोमर सर के साथ बना सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज का सेशन है बड़ा अद्भुत। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हमारे पास आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की फोटो लगी हुई। बिल्कुल देखिएगा 2019 में संस्था का निर्माण होता है एग्जाम शाला। हम ही और आप, मतलब मैं और आप, मैं मतलब हमारी टीम एक पहलू पार्ट ए और पार्ट बी है, आप सभी लोग, जब हम दोनों मिले पार्ट ए और पार्ट बी तो एग्जाम शाला का निर्माण हुआ। 2019 से लेकर अब तक संस्था काफी बच्चों का सिलेक्शन करा चुकी है, उनमें से कुछ बच्चे यहाँ अवेलेबल है। हम लोग यूपीएससी पर भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। समय आपके पास दिख रहा होगा, यूपीएससी के लिए दिल्ली से स्पेशल टीम हमने एक्वायर की हुई है। उनसे हम लोगों ने कह सकते हैं बहुत सारा कॉन्टेंट है जो बच्चों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा बड़ौदरा, अहमदाबाद और सूरत में ऑफलाइन क्लासेस भी दे पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमें प्ले स्टोर पर आप एग्जाम शाला एप्लीकेशन के नाम से भी मिलेंगे, हम एग्जाम शाला एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से भी मिलेंगे, और साथ ही साथ जस्ट यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं एग्जाम शाला के नाम से हम अवेलेबल हैं। तो सिलेक्शन जो है वो एग्जाम शाला बहुत 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 ज्यादा करवा रहा है। आपके सामने फोटोज हैं। अब ज्यादा समय आपका ना लेते हुए और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पर उससे पहले कि क्वेश्चन की शुरुआत की जाए, सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए। देखिए अगर आप मजा नहीं लेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा, आप मजे लेंगे इस सेशन का तो मुझे मजा आने वाला, और मुझे मजा तभी आएगा जब कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर करेंगे कि तैयार हैं। अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस तैयार हैं प्लीज। बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग। नेहा, योगेश, ज्योति, बीनू, मित्तल, शिखा, अभय, सभी दर्शकों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी दोस्तों का, स्टूडेंट्स का मैं हार्दिक फिर से अभिनंदन करता हूं। और सब लोग लिख रहे हैं कि सर हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिए कमेंट बॉक्स में आंसर आपका जरूर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गवर्नमेंट हैज परमिटेड अप टू हाउ मच परसेंट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एलआईसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। एलआईसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और आप सभी को पता है एलआईसी की आईपीओ के बारे में, पर अभी हम आईपीओ का डिस्कशन नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना परसेंट एफडीआई को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ किया है, कहां पर? एलआईसी के अंदर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मतलब 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाक से। बहुत बढ़िया, कुछ लोग 25 आंसर कर रहे हैं, देखिए 25 आंसर आ रहा है, और आज मैं क्लियर करूंगा कि 25 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता वो भी क्लियर करूंगा मैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब तो आपके आते ही रहना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी में कितने परसेंट एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया,
और कमेंट में आंसर आ रहा है कुछ लोगों का 10, कुछ लोगों का 20, 15 तो ऑप्शन ही नहीं दिया भाई, तो 15 मत लिखिए, ऐसे मत करिए, जो ऑप्शन में अवेलेबल है उसी का आंसर दीजिए। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि सर इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 22 होगा, 26 होगा, कितना परसेंट एफडीआई के लिए इन्वेस्टमेंट अलाउ किया हुआ है एलआईसी के अंदर, ये क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहला मेरा, अब चलो आंसर पहले बता देता हूं फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो आंसर आपके सामने है कि 20%, कितने परसेंट, 20% अलाउ किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई इन्वेस्टमेंट किसके अंदर, एलआईसी के अंदर। अब क्या एफडीआई इन्वेस्टमेंट है इसको जानेंगे, पर उससे पहले मुझे बताइए कि एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, फटाफट से फटाफट बताइए एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, फटाफट, जितने जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उतना ज्यादा आपको मजा आने वाला, फटाफट से बताइए एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, फटाफट। ये एसएससी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार, अगर आप सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस का एग्जाम देने जाने वाले हैं तो याद रखिए एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा जा सकता है, फटाफट। 1956, वेरी गुड, फर्स्ट सितंबर 1956 को एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एलआईसी जो इंश्योरेंस कंपनी है, कॉरपोरेशन है, जिसके अंदर हम सभी लोग पॉलिसीज को लेते हैं, पॉलिसी का बेचने का काम बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने एजेंट का नाम सुना होगा, जैसे आपने असिस्टेंट का नाम सुना होगा, जैसे अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम सुना होगा, जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एलआईसी में पॉलिसीज कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ये तो समझ में आ गया भैया एलआईसी। अब एलआईसी आज तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बात सबको पता है। अब आपने कई बार सोशल मीडिया पर, कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। ये डिसइन्वेस्टमेंट है क्या और ये डिसइन्वेस्टमेंट हो क्या रहा, इस चीज को जानने के लिए अब मेरे साथ बहुत गहराई में आपको जुड़ना पड़ेगा। चलिए तो मैं आपको जल्दी से डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझा देता हूं। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए बजट, कि बजट है क्या। आप सभी जानते हैं कि बजट दो टाइप का होता है, एक होता है, वैसे बजट बहुत सारे प्रकार का होता है, पर पेश होता है या तो इंतरिम बजट या यूनियन बजट। इंतरिम बजट कौन सा है, सरकार जाने वाली होती है और पूरे साल के लिए जो बजट पेश नहीं होता उसको इंतरिम बजट बोलते हैं, और दूसरा होता है यूनियन बजट। यूनियन बजट का मतलब है पूर्ण बजट, पर बजट जो है वो बजट या तो सरप्लस होगा, बैलेंस होगा या डेफिसिट होगा। हमारे इंडिया में जो बजट पेश होता है वो होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का इतना सा मतलब समझ लो कि जब इनकम जो है, क्योंकि बजट का कॉम्बिनेशन होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, ये आसान भाषा में बता रहे हैं, अगर मैं रिसिप्ट बताऊं फिर एक्सपेंडिचर बताऊं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आसान भाषा में बता रहा हूं कि जब इनकम, क्या बेटा, इनकम लेस देन हो जाए किससे, एक्सपेंडिचर से, तो वो कौन सा डेफिसिट होता है, वो होता है डेफिसिट बजट। और जब डेफिसिट यानी घाटे का बजट हमारे देश में पेश होगा तो एक बात बताइए, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं उसकी इनकम 2 लाख रुपए है और एक्सपेंडिचर 4 लाख रुपए है, आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे, आप सोचो ना। अगर मंथली इनकम 2 लाख रुपए है, मंथली रेवेन्यू 2 लाख रुपए है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 4 लाख रुपए है, तो आपका सर्वाइवल इशू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये सर्वाइवल इशू को कम कैसे कर सकते हैं आप, आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा हो रहा है उतना बराबर इनकम कर लें। अब अगर वो इनकम नहीं हो रही तो आप किसी से बोरोइंग ले लें। एक ऑप्शन तो ये है कि भैया हमने बोरिंग ले ली, उधार ले लिया, पर उधार हमें विद इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ जाएगा, हो सकता है हम एनपीए में भी चले जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि हमारे पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हो, जैसे हमारे पास कोई मकान पड़ा हो, जैसे हमने कोई एक सोसाइटी बनाई हो, जैसे हमने 2-4 एकड़ हमारे पास जमीन हो, उसमें से कुछ परसेंट पोर्शन बेच दिया, बस वही जो बेच दिया ना, पहले उसको खरीदा था तो इन्वेस्ट किया था और अब उसको वापस बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डिसइन्वेस्ट। बस यही गवर्नमेंट कर रही है। पहले गवर्नमेंट ने एलआईसी को खरीदा, मतलब एलआईसी का निर्माण हुआ गवर्नमेंट के सानिध्य में। अब गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत पड़ रही है तो गवर्नमेंट इसी के आईपीओ लॉन्च करके और इसी के कुछ परसेंट शेयरिंग मार्केट में बेच रही है। यह बात समझ आई, बोलो हां या ना, यस और नो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं ये बात समझ आई हां या ना।
फटाफट फटाफट बताएं, ये बात समझ आई कि वाई एलआईसी की जो आईपीओ है वो लॉन्च हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाई गवर्नमेंट इंडिया डूइंग डिसइन्वेस्टमेंट। एकदम आसान भाषा में समझ में आया, एक तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है बोरिंग ले ले, दूसरा ऑप्शन है कि डिसइन्वेस्टमेंट कर ले। ये दो ऑप्शन आपको आसान भाषा में बता दिए, अब तीसरा ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया, शुभम सर को भी क्लियर हो गया, मतलब इनकम कम एक्सपेंडिचर ज्यादा, डेफिसिट बजट को मैनेज करने के लिए, बैलेंस बजट बनाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने शेयर को बेच रही है ताकि प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व हो और हम सभी लोग यानी इंडिया का सबसे बड़ा मॉडल पीपीपी मॉडल रेडी हो जाए। और ये कोई बताए मुझे व्हाट इज पीपीपी मॉडल, जल्दी से बताए पीपीपी मॉडल क्या है, फटाफट से बताएं कमेंट बॉक्स में व्हाट इज पीपीपी मॉडल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, पीपीपी मॉडल बताइए। इसका फुल फॉर्म एसएससी के अंदर डेफिनेटली पूछा जाएगा, और अगर बैंक में आरबीआई के एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो बजट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जल्दी से बताएं पीपीपी मॉडल क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वेरी गुड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है कुछ शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट रखेगी, कुछ पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हो गया और प्राइवेट मतलब हो गया या तो हम लोग या कोई बाहर की इस कंपनी, हमारे देश की भी हो सकती है और देश के बाहर की भी हो सकती है, वो सारे लोग इस पीपीपी मॉडल पर काम करेंगे। गवर्नमेंट अभी 12,000 किलोमीटर की सड़क बनाने वाली है, वाटर लिंक प्रोग्राम करने वाली है जिसको रिवर लिंक्ड प्रोग्राम कहते हैं, जैसे आपने कैन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे आपने कह सकते हैं बहुत सारे रूप रोड बनने वाले हैं, बहुत सारे कह सकते हैं बाहर प्रोजेक्टों पर गवर्नमेंट काम करने वाली है, जैसे महिला के लिए सिक्योरिटी अभियान के थ्रू बहुत सारी सिक्योरिटी व्यवस्थाएं लाने वाली है, पर इस पे जो खर्चा होने वाला है, या जैसे मान लो एक नया हाईवे बनने वाला है, जितने भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट ने एकदम टारगेट बनाया कि कुछ हम खर्च करेंगे कुछ आप लोग करिए, आप लोग का मतलब हो गया प्राइवेट। क्लियर हुआ, तो पीपीपी मॉडल पे इस बार गवर्नमेंट काम करने वाली है और कहीं ना कहीं एक एग्जांपल आपको एलआईसी इसका मिल ही जाता है कि ये कहीं ना कहीं अब पीपीपी मॉडल पे काम करने वाली है। जैसे रेलवे में आपने अगर सुना हो कि बहुत सारी रेलवे यानी 200, 250, 300, 400, 500 किलोमीटर की जितनी भी रेलवे की पटरियां आप बिछेंगी वो पीपीपी मॉडल पर ही बिछेंगी। क्लियर, अब अगला देखो, इसी से मैं आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले अभी तुमको एलआईसी के बारे में समझाया, एलआईसी में मैंने ये बताया कि एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, एक चीज बताई, फिर मैंने बताया कि उसमें वर्किंग कैसा कैसा रहता, फिर मैंने आपको बताया कि क्यों इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, क्यों गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनी में इंटरफेरेंस दे रही है, तो वो दे रही है डेफिसिट बजट की वजह से, जिससे कहीं ना कहीं वो बैलेंस बजट में कन्वर्ट हो जाए, एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर हो जाए, जिससे गवर्नमेंट और विकास कर सके। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया मेट्रो का, वेरी गुड, मेट्रो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी सूरत में अगर आपको पता है कि एशिया की सबसे ग्रोइंग सिटी सूरत में, अगर आप मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो आप इसी पर काम कर पाएंगे, इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पीएम गति शक्ति के थ्रू भी योजनाएं लाई हैं। पर आज का हमारा टॉपिक बजट से रिलेटेड नहीं है, आज का टॉपिक हमारा करंट को उठाने की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक पोर्शन को साथ लेकर चलेंगे। ये समझ लिया कि भैया हो गया बजट डेफिसिट, और बजट डेफिसिट की वजह से अब गवर्नमेंट ने सबसे पहले एलआईसी की आईपीओ लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। अब आईपीओ ही क्यों लॉन्च कर रहे, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का पहली बार मार्केट में शेयर आता है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर, अब चलते हैं आगे, एक और मैंने बात बताई फिर आपको कि पीपीपी मॉडल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, और अब अगला जो अगला जो मेरा पॉइंट है वो है कि भाई ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर मुझे यह पता चल गया कि व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्ट का मतलब है बाहर का कोई देश का, हो सकता है बंदा, हो सकता है कंपनी, हो सकता है इंडिविजुअल, हो सकता है इंस्टीट्यूशन, कोई भी आदमी हमारे देश में इन्वेस्ट करता है तो उसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, अभी सब लोग बहुत सारे लोग हैं जो बता देंगे कि एफडीआई होता है, एफआईआई होता है और एफपीआई होता है। नहीं देखो, हम फिर बताते हैं आपको और आराम से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैं आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, ना कि यह बता रहा हूं कि फॉरेन इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो अपने इंडिया में या
इन्वेस्टमेंट दो ही टाइप का होता है, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। अभी आप क्या देख रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी आप क्या देख रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कोई विदेश की कंपनी हमारे देश की कंपनी में, या हो सकती है कि अपनी ही कंपनी की कोई सब ब्रांच, कोई सब्सिडरी हमारे देश में खोले और हो सकता है ओनरशिप अपने पास रख ले। इसका फाउंडेशन कैप भी होता है। किस किस तरीके से फंड अप्लाई होता है, कैप्स कुछ इस तरीके से है। एफडीआई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने में लोग रुचि रखते हैं 26% में, कि मैं 26% तो कम से कम कहीं इन्वेस्टमेंट हो ही जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि अगर 26% रहेगा तो कहीं ना कहीं 25 से ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा मालकाना यानी डिसीजन लेते समय आपसे पूछा जरूर जाएगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है 49%, क्योंकि इसमें भी सेम डिसीजन होता है, अगर 51 हो जाएगा तो मालकाना हक हो जाएगा। तो तीसरा इन्वेस्टमेंट कैप होता है 51, और इसके बाद अगला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 74, और फिर होता है 100। तो एफडीआई इन चार तरीके से इन्वेस्ट होती है, करने वाले 10 भी करते हैं, 15 भी करते हैं, पर इंटरेस्ट रूप सबसे ज्यादा ये देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, कि जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका 100% बन रहा होगा, और जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 100% बन रहा हो। आप कहेंगे सर इसको 76 कर देते, अगर ये 76% हो जाता बॉस तो तुम्हें पता है जिसका 1/3 रहेगा ना, जिसका 1/3 रहेगा एक कंपनी के अंदर, एक तिहाई भाग रहेगा, 70% भाग रहेगा, वो कंपनी में अपनी मालकाना हक पूरा दिखा पाएगा, डिसीजन पावर सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए चार तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, 1, 2, 3, 4, 100 तो 100 ही है, क्लियर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई फॉरेन की कंपनी हमारे देश की कंपनी में, या फिर हो सकता है हमारे देश में ही आकर अपनी कोई सब्सिडरी, अपनी कोई सब ब्रांच ओपन कर दे और पूरा मालकाना हक उसके पास रहे। जैसे आपने मैकडोनर का नाम सुना होगा, मैकडोनर की फ्रेंचाइजी सब लोग ले लेते हैं लेकिन ओनरशिप उसी के पास रहती है, क्लियर होगा। जैसे एग्जाम साला है अभी जाके भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान में, चाइना में अपनी ब्रांच खोल दे, अब आप कहोगे आप क्या पढ़ाएंगे, हो सकता है कि हम ये पढ़ाएं कि मोबाइल कैसे बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैसे बनाएं, पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट ने यहां लाई है इसको इंप्लीमेंट कैसे कराएं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ा सकते हैं, इसी के चलते हमने वहां ब्रांच खोली, लेकिन पार्टनरशिप अपने पास रखी। तो इन्वेस्टमेंट हमने कहां कर दिया, चाइना में, पाकिस्तान में, भूटान में, अमेरिका में, कहीं पर जाके अगर वहां की कंपनी हमारे यहां करती तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक होता है यूरो इन्वेस्टमेंट। अब यूरो इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा भाग होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरा क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, तीसरा NRI, बस इसी पोर्शन को जानना है। अब एफडीआई और एफआईआई ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के बैलेंस बजट को यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने का काम यहीं से हो जाता है। जितना ज्यादा हमारे देश में एफडीआई होगा, एफआईआई होगा, उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। वैसे बहुत डीप की बात है लेकिन डीप की बातें नहीं करेंगे हम, आपको कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ाते चलेंगे। अब आपको यह जानना है कि सर पोर्टफोलियो मतलब यहां के किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग किसी कंपनी का कुछ परसेंट शेयर खरीद रहे हैं, हम लोग मतलब हो सकता है इंडिविजुअल, हो सकता है कि हमारी कंपनी। लेकिन तरीका बहुत ध्यान से समझना, जब कोई इंस्टीट्यूशनल और जब कोई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट करता है तो मालकाना हक के चांसेस कम हो जाते हैं, एक बार, क्लियर। दूसरी बात कि जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना कि इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले बताया ये दोनों है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट करने का तरीका, करेगा कौन, तो ये लोग। ये बात समझ आई या नहीं, यस और नो, फटाफट से कमेंट बताओ। अली मास्टर कह रहे भारत में बाहर का कोई देश का बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो देखो मैंने बता दिया,
क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर इंडिविजुअल, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, चाहे तो डायरेक्ट कर देता, एलन मस्क चाहे तो अपने नाम से, एलन मस्क चाहे तो अपने नाम से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर दे, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसके लिए पी नोट्स जनरेट करना पड़ना है। कभी भी कोई भी बाहर का बंदा अगर हमारे स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो उसके लिए सबसे पहले इन कैटेगरीज में जाना पड़ेगा। अगर वो पोर्टफोलियो मतलब इसके थ्रू आ रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आ रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल हो रहा है तब भी उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाइड कंट्री होना चाहिए या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और जब भी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आएगा तो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, पहले उसका पी नोट्स जनरेट होगा। और पी नोट्स का मतलब है पार्टिसिपेटरी नोट्स। अगर पार्टिसिपेटरी नोट्स का मतलब है जैसे हम हैं और आप हैं इस समय, हमें आप जानते हैं, अगर मुझे नहीं जानते तो जैसे मैं आपको कॉल करता तो आप अगर मुझे नहीं जानते तो आप मुझे कहते, किसी को भी बताते तो कहते इस नंबर से कॉल आया है, नंबर मेरा आइडेंटिफिकेशन हो जाता। वैसे पी नोट्स यहां जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी फॉरेनर डायरेक्ट इन्वेस्टर बन जाता है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो पी नोट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर ये तीन ऑप्शन में जब भी वो जाएगा तो पी नोट्स तो उसको ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? मैं आपको फिर क्लियर बता दे रहा हूं, ये चीजें दिख रही हैं आपको, ये दोनों चीजें हैं इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट? मतलब करने का तरीका। जे लोग जो दिख रहे हैं आपको, ये जो दिख रहे हैं ये है इन्वेस्टर्स, के कितने तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। क्लियर? आई होप ये बात समझ में सबको आ रही होगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, सही बात है भाई, बहुत डीप में पढ़ाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं जनरल अवेयरनेस जोरदार पढ़ा। एक तो सबसे बड़ी बात है, जनरल अवेयरनेस का मतलब है क्या? कौन से बैंक के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आता? किसी में नहीं। आप बैंक का स्टैटिक पोर्शन किसी में आता ही नहीं है। अब जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है कि जब आप एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में बैठे हो और आपने कहा कि आई लव टू वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो वो पूछ लेगा कौन सा वीडियो देखना पसंद है, और तुम कहोगे कि वीडियो शेयर मार्केट, तो पूछ लिया कि आईपीओ क्या है, गिल्टेज मार्केट क्या है, गिल्टेज सिक्योरिटी क्या है, ओएमओ क्या है, एमएसएस स्कीम क्या है, सेबी क्यों रेगुलेट करती है, आरबीआई क्यों नहीं रेगुलेट करती, पता ही नहीं। अब जब पता ही नहीं रहेगा तो बताओगे कैसे, पहली बात। दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस का मतलब है जिस काम में आप इन्वॉल्व हो ना उस काम के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं एक बार, मेरे पिताजी मुझसे बोले कि यार एक काम करो, गाड़ी में ना पेट्रोल डला। मैंने कहा ठीक है डलवा लाता हूं। मैं पेट्रोल डलवाने पहुंचा तो जब पेट्रोल पंप पे पहुंचा तो उसने पूछा कितने का, मैंने कहा 200 रुपए का, तो उसने पेट्रोल डाल दिया, मैं वापस ले आया घर पे, पापा को चाबी दे दी। पापा बोले कि यार इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। हमने कहा 200 रुपए का डलवाया। मैंने कहा मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं। कह रहे तुम चोरी नहीं कर सकते, लेकिन डलवाते समय कम से कम मशीन पर ध्यान तो देना चाहिए। हम चुप हो गए। हमारे पिताजी हमको बोले कि पढ़े लिखे का मतलब जानते हो, क्यों पढ़ा लिखा रहे हम आपको? अगर आपको पढ़ा लिखा रहे तो इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को? तो मैं इस चीज को समझा नहीं। मैं अगले दिन मैथ वाले टीचर के पास पहुंचा, हमने कहा आप बड़ा गंदा पढ़ाते हैं। वो कह रहा कैसा है, अरे बदतमीजी से हमसे बात कर रहा है। हमने कहा बदतमीजी से नहीं, आप सच में हमें कभी पढ़ाए नहीं कि हमें पेट्रोल पंप जाना है और पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी उसमें 0 देखने। कहने का मतलब है कि जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना उसकी फुल अवेयरनेस होनी चाहिए। अब कोई पूछ ले तुमसे कि आयो ये लड़का हमारा बैंक पढ़ रहा, अभी हम परसों की आपको एक बात बताते हैं आप मस देंगे। एक लड़की के पिताजी आज हमारे इंस्टीट्यूट में पैसा दे रहे। अब अच्छा वो चेक दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अकाउंट पे ही कर दो, मतलब अकाउंट पे ही चेक देना है। तो लड़की को कहा कि लो बेटा भर दो, अकाउंट पे ही कर दो। तो लड़की बोले बाबा अकाउंट पे ही, बोले अरे क्रॉस चेक। तो उसने देखो ऐसे क्रॉस कर दिया, खत्म हो गई बात। तो जनरल अवेयरनेस का मतलब वो बैंक की तैयारी हमारे यहां कर रही थी। तो पिताजी को क्या एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चे को ये तो आते ही होगा कि अकाउंट पे चेक कैसे होता है, यहां डबल क्रॉस होता है कि यहां डबल क्रॉस होता है। तो जनरल अवेयरनेस का मतलब ये है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपको। चलिए, तो जनरल अवेयरनेस में आप हमसे पूरा एकदम स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर से मिक्स करते हुए चलेंगे। अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे तो अभी एलआईसी के शेयर आए होंगे, आपको पता है आईपीओ,
तो इन्वेस्टमेंट करिए। और आप सभी को बता दिया मैंने आईपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फॉरवर्ड होते हैं, सबको बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को देखो, मैं लाइक वाइक तो बोलता नहीं क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे लाइक नहीं करोगे तो तुम्हें कोई लाइक नहीं करे, इसलिए लाइक तो कर ही दीजिए। खैर चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है नंबर टू, बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट विल बी ऑपरेशनल इन विच सिटी। बिहार का फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है वो बिहार की किस सिटी के अंदर है। और यहीं से एक क्वेश्चन में और पूछूंगा आपसे, पहले ये वाला आंसर बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के छात्रों के लिए। तो बैंक वालों के लिए क्या था? अरे भैया जो एफडीआई एफपीआई एफआईआई एफक्यूआई वगैरह बताए वही सब। चलिए फटाफट से बताइए आंसर, सबका आना चाहिए दोस्त, सबका आना चाहिए, सबका आंसर जरूरी है। भैया जो लोग अभी तक इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे, और आपको नहीं पता है तो मैं मिनिस्ट्री का आपको बहुत बड़ा एक क्लू देने वाला हूं कि इस समय गवर्नमेंट के पास 3 करोड़ से ज्यादा वैकेंसी अवेलेबल है गवर्नमेंट। तो बहुत सारे बच्चे आंसर दरभंगा बता रहे हैं, और हो सकता है कि दरभंगा आंसर हो। लिखते हैं अगली स्क्रीन पर, और दरभंगा हुआ सही आंसर। आपको यह बात तो बहुत आराम से पता चल गई कि बिहार का फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट जो था वो दरभंगा के अंदर ऑपरेशनल किया जा रहा है। लेकिन तुमको यह बात पता करना है कि बिहार के इस समय गवर्नर कौन है। ये क्वेश्चन जरूर आपको बताना है कि बिहार के इस समय गवर्नर कौन है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप स्टैटिकल जीके की बात करते हो, मैं आपको बहुत ऑपरेशनल चीज बता रहा हूं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस बार के आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में किसके बेटा, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के प्रोविजनरी एंड क्लेरिकल के मेंस एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बेटा, 5 क्वेश्चन देखने को मिले, 5 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले किसके, तो जीएसके यानी जनरल स्टडी के। अगर आप जनरल स्टडी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत रहेगी, इसीलिए गवर्नर को तो याद करना जरूरी रहेगा। जल्दी से बताएं, ऋतु प्रजापति ने सही जवाब दिया, फागु चौहान जी जो है वो गवर्नर है कहां के, बिहार के, वेरी गुड। चलिए तो अगला क्वेश्चन तीसरा, ये फागु चौहान जी जो मैंने बताया या जो कह सकते मैडम ने बताया वो आंसर सही है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से आंसर बताएंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन, सौरभ चौधरी वन फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप इन विच कैरो इजिप्ट में, जो इजिप्ट के अंदर हुआ, क्या हुआ, शूटिंग स्पोर्ट कंपटीशन हुआ, उसके अंदर गोल्ड मेडल लाए, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फटाफट से बताइए। जो सौरभ चौधरी जी है जिनको गोल्ड मेडल मिला शूटिंग के अंदर, जो इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर हुआ, उसमें गोल्ड मेडल लाने वाले सौरभ चौधरी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और मैं आपके आंसर के लिए बता देता हूं कि इस स्टेट में इस बार मुख्यमंत्री यानी 1947 के बाद पहली बार देश का मुख्यमंत्री, उस सॉरी स्टेट का मुख्यमंत्री जो इंडिपेंडेंट यानी भारत आजाद होने के बाद, देश आजाद होने के बाद उस स्टेट का मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हुआ है सेम टाइम में, ऐसा आज तक उस स्टेट में नहीं हुआ है। फटाफट से आंसर बताइए, उत्तर प्रदेश आंसर आ रहा है बच्चों का, उत्तर प्रदेश। कई लोग आंसर में लिख रहे हैं बुलडोजर, तो भैया हाँ अब जवाब आप लोगों को पता होगा, यूपी, वेरी गुड। तो वो उत्तर प्रदेश से हैं, कौन है भैया, चौधरी जी। और उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही होगी तो ये भी बात कर लेते हैं कि कौन है भैया उत्तर प्रदेश के आगामी सीएम, तो आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ। इनसे रिलेटेड मुझे एक कहानी याद आती है, वो कहानी मैं आपको सुना सकता हूं, पर कहानी जो है वो पॉलिटिकल है, इसलिए वो कहानी ना सुनाकर मैं आपको कहानी सुनाता हूं इन्हीं में से, इन्हीं स्टेट में से एक स्टेट के सीएम की। ये सीएम की कहानी आप सुनने के बाद अपने जीवन में अगर आज तक आप फैसला नहीं ले पाए हैं, डिसीजन नहीं ले पाए हैं, और डिसीजन पर आप निर्धारित नहीं रहते हैं, स्टैटिक नहीं रहते हैं, तो जरूर रहिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं उस
उस स्टेट के सीएम की कहानी। एक बार कॉलेज के टाइम पर उनसे उनकी गर्लफ्रेंड ने पूछा कि आप तो कॉलेज के काफी दिन बीत चुके हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो सर कहते हैं, सीएम साहब जो अब सीएम साहब है वो कहते हैं, वो लड़का उनसे कहता है कि बिल्कुल कर लेंगे, शादी करने की तो हमारी भी इच्छा है। तो लड़की बोली कि फिर पापा से बात चलाती हूं, लेकिन अगर पापा पूछ ले कि आप क्या करते हो तो क्या जवाब दूंगी। तो बंदा मुस्कुराता है और कहता है कि अगर आपके पिताजी पूछे कि मैं क्या करता हूं तो बता देना कि आगामी असम के सीएम से आपकी लड़की की शादी होने वाली है। हेमंता विश्व शर्मा 20 साल बाद असम के सीएम की शपथ लेते हैं, और शपथ लेने के एक प्रोग्राम में उनकी वाइफ ये बात घटना उस कॉलेज की बताती हैं और बताती हैं कि हेमंता अपने डिसीजन पर, अपने बोल्ड डिसीजन पर हमेशा खड़े रहते हैं। और यही एक किरदार है कि उनने 20 साल पहले हमसे कहा था कि पापा से कह देना कि असम के सीएम से आपकी लड़की की शादी होने जा रही है। इसका मतलब है कि डिसीजन लाइफ में बहुत पावरफुल होना चाहिए। अगर आप एक जगह स्टैटिक नहीं रह सकते हैं, आप जानते हैं कि जब पौधे को एक जमीन से खींचकर दूसरी जमीन, दूसरी जमीन से खींचकर तीसरी जमीन, तीसरी जमीन से खींचकर चौथी जमीन, बार बार जमीन बदलने पर पौधा अपनी गति शक्ति को खत्म कर देता है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को खत्म कर देता है। इसीलिए डिसीजन को बदले ना, अगर आप डिसाइड कर लें तो फिर अड़े रहें। ऐसे ही तो है योगी आदित्यनाथ जो इस बार फिर से यूपी खेमे के सीएम बनने वाले हैं। और ये बात फिर बता रहा हूं, जब भी जीवन में आप स्टैटिक रहेंगे, आप भाषा को समझ पाएंगे सफलता की, तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि जीवन में आपको क्या करना है। और अगर डिसाइड हो गया कि मुझे जीवन में ये करना है तो फिर टिके रहिए, फिर हटिए मत। 16 बार फेल होने के बाद हरीश हमारे यहां का स्टूडेंट जो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ पढ़कर आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम निकाल लिया, 16 एग्जाम में फेल भी हुए। हार जरूर होगी पर निरंतर टिके रहना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर आए हैं तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात कर लेते हैं और गुजरात के सीएम। हम गुजरात के सीएम की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के पहले जो गुजरात के सीएम थे वो रूपानी भाई थे। अब रूपानी जी चले गए, मतलब उनकी सरकार बदली है तो भारतीय जनता पार्टी की, पर सीएम चेंज हो गए और हैं इस समय भूपेंद्र भाई पटेल, और असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा के बारे में मैंने पूरी कहानी से आपको बता दिया। कई लोग बहुत तालियां बजा रहे हैं, खुश भी हैं, और दूर से लोग जुड़े हैं हमसे, अलावास से एक मैडम जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कविता राजवर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फीफा एंड यूईएफए हैव सस्पेंडेड विच कंट्रीज नेशनल टीम एंड क्लब फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। कौन से देश ने फीफा और यूईएफए रद्द कर दिया है, बताइए। आंसर सबका आना चाहिए और मुझे पता है कि आपको आंसर बिना देखे पता चल रहा होगा, क्योंकि रात दिन आप न्यूज चैनल में उस देश के बारे में सुन ही रहे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने, मतलब उस देश के राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने वो मूवी देख ली है पुष्पा, झुकूंगा नहीं साला, तो वो वाली कहानी अप्लाई हो रही है उस देश में। और उन्होंने अपने यहाँ के जो फीफा और यूईएफए जो होने वाला था वो कैंसिल कर दिया। तो सबको पता है रसिया क्यों, क्योंकि रसिया के आप टच में हैं। देखिए जब भी कोई करंट का मतलब क्या है, करंट इवेंट कौन सा चल रहा है। अभी मान लेते हैं कि मुद्दा, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी इलेक्शन चल रहा है, तो आप कहेंगे क्या इलेक्शन रिलेटेड आगा, नहीं देखो सीएम चेंज हो रहा है, शायद गवर्नर चेंज हो रहा है, शायद डेप्यूटी सीएम चेंज हो रहा है, होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, जो भी डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है और उन स्टेट के एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो तो उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सेकेंड इंटरनेशनल न्यूज मतलब आपको इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और एनवायरमेंट और इथिक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं करंट अफेयर में। और फिर आप चकरा जाते हैं, सोचते हैं करंट अफेयर कैसे हो। करंट अफेयर करने का एकदम आसान तरीका है, पहला तरीका है न्यूज़पेपर। मैं हमेशा हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते फिर बड़ी तकलीफ होगी आपको। देखो होता है ऐसा है कि करंट अफेयर पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रेगुलरिटी। जैसे आप वीकली हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम तो ये वन टू वन डिस्कशन आपसे कर ही रहे हैं, आपसे और यूट्यूब चैनल पर आपके कमेंट पढ़कर आपको रिप्लाई भी दे रहे हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके विचारों को जनरेट करती है। जैसे एक होता है बुक समरी सुनना, किसी बुक समरी को आपने सुना, जैसे क्वाइट
सुसेन केन की एक बुक है द क्वाइट, अगर वो अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो 20-30 मिनट में पूरी समरी मिल जाएगी। लेकिन उस किताब को पढ़ने में जब आपको वो साहस मिलेगा, वो चुप रहने की क्षमता जो मिलेगी वो पढ़ने के बाद मिलेगी। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके दिमाग के अंदर जो कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो खत्म हो जाती है। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। और आंसर है इसका रशिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच बैंक हैज टाइड अप विद द महाग्राम टू रोल आउट बैंक सखी प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बैंक सखी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक सखी, बैंक वाले बच्चे, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंक सखी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा, कौन सी बैंक ने टाई अप किया है महाग्राम रोल आउट बैंक सखी प्रोजेक्ट के साथ उड़ीसा में, फटाफट से बताइए जल्दी से। फटाफट से जल्दी बताइए, समय नहीं खराब करना भाई, समय जाने नहीं देना है, जल्दी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कहीं ना कहीं आंसर एकदम सही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, किसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंक सखी प्रोजेक्ट के साथ, बैंक सखी प्रोजेक्ट के लिए महाग्राम टू रोल आउट बैंक सखी प्रोजेक्ट उड़ीसा में टाई अप किया है। बैंक ने, किस बैंक ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अब एक बात बताइए, ये बैंक सखी प्रोजेक्ट है क्या, किसी को पता है, व्हाट इज बैंक सखी प्रोजेक्ट, जल्दी से जल्दी बताएं बैंक सखी प्रोजेक्ट क्या है, फटाफट, व्हाट इज बैंक सखी प्रोजेक्ट। जिन बच्चों को नहीं पता है हम बताएंगे, पर अपना दिमाग, जो भी आपके दिमाग में डेटा है वो टाइप जरूर कर दें फटाक से। ऐसी महिला जो SGH मतलब सेल्फ हेल्प, सॉरी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तो आपको पता ही होगा नाबार्ड के अंदर आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसी महिला जो कम से कम 12 महीने का एक्सपीरियंस इस ग्रुप के अंदर रखती हो, वो महिला एक बैंक के अंदर सिटिंग कर सकती है। 4,000 रुपया महीना मिलेगा उस लड़की को। बहुत ध्यान से फिर से बता रहा हूं, बैंक सखी का मतलब इतना समझ ले कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है नाबार्ड के थ्रू चलता है, आपने सुना भी होगा, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई महिला अगर 12 महीने से ज्यादा काम कर रही है और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसको पता चलता है कि कैसे डिजिटली पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप गांव में देखते होंगे कहीं ना कहीं आज भी लोग कैश की फॉर्म पैसा ट्रांसफर करने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई पैसा कैश में रहे तो ज्यादा, जैसे आप सभी जानते ही हैं कि अगर आपके घर, मतलब मेरे घर अगर कोई लड़की वाले आए और मुझसे कहे कि भैया क्या है आपके पास, मतलब घर कहाँ है आपका, हम कहें नहीं वो तो हम भाड़े से रहते, तो गाड़ी तो होगी, हमने कहा गाड़ी भी दूसरे की है, दोस्त की गाड़ी ली है, तो फिर जिस एग्जाम साला जिसमें है वो तो तुम्हारा है, हम नहीं नहीं वो भी भाड़े से, तो कहेगा फिर तुम्हारे पास क्या है, हम कहेंगे हमारे पास ना टाटा का शेयर है, तब भी वो शादी नहीं करेंगे, चाहे वो 2 करोड़ का क्यों नहीं लिए हो, क्यों, क्योंकि दे आर बिलीविंग ऑन हार्ड कैश। तो ये हार्ड कैश कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब डिजिटल मार्केट तो कर ही रही है, डिजिटल पैसा ट्रांसफर करने के लिए UPI का इस्तेमाल कर रही है, पर वो UPI सिस्टम दिल्ली का बंदा, महाराष्ट्र का बंदा, बॉम्बे का बंदा गांव में जाके नहीं समझा सकता, क्योंकि गांव वालों को गांव वालों की ही भाषा समझ में आएगी। इसीलिए जो नाबार्ड के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं जिनमें किसी महिला को अगर 12 महीने का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ उसको बैंकिंग की या फाइनेंस की अवेयरनेस है, तो मैंने अभी बोला ना जनरल अवेयरनेस, वही बैंकिंग अवेयरनेस, जिस बंदी को बैंकिंग अवेयरनेस की, कह सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बारे में जानकारी है, वो लड़की उसी गांव की बैंक में बैठकर ब्रांच मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट कर उस गांव की महिलाओं को UPI और डिजिटल पेमेंट के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम देगी, वो है बैंक सखी। समझ आया कि नहीं, यस और नो, हाँ या ना, कितनी सैलरी मिलेगी, 4,000 रुपया पर महीने, भैया बहुत होता है 4,000 रुपया, बहुत होता है, हम आप भी स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे 2-4 हजार रुपया कितना होता है, लेकिन उसके लिए 12 महीने सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप काम कर चुके हो या फिर साथ ही साथ आपके पास बैंकिंग अवेयरनेस हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो कि कैसे UPI होता है, कैसे गूगल, मतलब किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेंगे, कैसे ये सारी चीजें चलती है, UPI भीम के थ्रू वो सारी चीज ट्रांजेक्शन करवाना सिखाए। क्लियर, सबको क्लियर है भैया, समझ आ रहा, मजा आ रहा है भैया, टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने पहले क्लास स्टार्ट होते ही बता दिया,
अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो एनर्जी और टाइम इन्वेस्टमेंट करें कहां, जहां से पैसा आ सकता है, क्योंकि पैसा बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक का मतलब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लिक्विडिटी आज मेरे पास है, कल आपके पास होगा, लेकिन जिसके पास रहती कम से कम 80% दिमाग में शांति बनी रहती पैसे होने की वजह से। खैर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पांचवे के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पर 6 बताने से पहले हमने बैंक के सीईओ वगैरह लिखे थे और बैंक में जो ऑप्शन में दिए थे उनके बारे में भी बताया था। सबसे पहले तो आईडीबीआई के जो सीईओ बने, वैसे सीईओ नहीं बने, एक्चुअली सीईओ का हर साल आपको पता ही होगा है ना, तो एग्रीमेंट होता है, हर साल रिन्यूअल होता है, और जब भी नए प्रोजेक्ट पर नए सीईओ चुने जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आईडीबीआई जो बैंक है उसके जो सीईओ हैं वो पुराने ही हैं, फिर से उनको नए बार बना दिया गया, मतलब फिर से वो सीईओ दोबारा बन गए। उनका नाम है राकेश शर्मा, जो 2018 से अवेलेबल है। आरबीआई से रिलेटेड देखो, ऑप्शन में आरबीआई दिया था, इसीलिए आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर हमने कैरी कर दिया है। व्हाट इज आरबीआई से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? तो सबसे पहले सारे बच्चे पहले बताएं कि आरबीआई का एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, ये कौन सा होता है, कौन से ईयर में आया, फटाफट से बताएं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फटाफट ईयर बताओ, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पूरा नाम बता दें कि क्या होता है, 49, 47, 46 क्या होता है, फटाफट से बता दे चले भैया, जल्दी से, हम ऑप्शन को भी कैरी आउट कर रहे हैं, जल्दी बताएं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एक मैडम लिखी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो 49 में ही क्यों आया था, यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है, फटाफट से यह भी बता दीजिए। चलो अच्छा, ये 34, 35 में बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, 34 और 35 में कंफ्यूजन है। देखिए, एक लोग तो इतने जल्दी में 199 लिख दिए, अरे भाई रिचार्ज नहीं कर रहे, सन बता रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं एक बार में। देखो, जब आरबीआई का निर्माण होना था तो आरबीआई का निर्माण के लिए आरबीआई का एक्ट बनाया गया, क्योंकि आरबीआई चलाने के लिए भी तो उसकी पॉलिसी चाहिए, तो आरबीआई एक्ट बनाया गया 1934 में। ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। जब ये बना, इसके बाद बना नहीं, एक्ट बना पहले, पहले क्या बना, आरबीआई को चलाने के लिए एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, फिर बनी आरबीआई, क्या बनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बनी 100% प्राइवेट कैपिटल के साथ, 100% प्राइवेट कैपिटल। कब बनी, 1935 में, क्योंकि हमारा देश आजाद नहीं था, फिर हुआ हम 47 में आजाद। जब हम 47 में आजाद हुए तब हमें बैंकिंग अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जानना था, क्या जानना था, इसके बारे में बता देते हैं आपको, चलिए फटाफट से ये भी क्लियर हो जाता है, फिर आगे की बात कर लेंगे। देखो, हुआ ऐसा कि जब आरबीआई बनी तो आरबीआई बनी 1935 में और इसका एक्ट बन गया 1934 में। आरबीआई बनने के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, फिर हमारे देश का सबसे पहला बजट यानी इंडिपेंडेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद का जो बजट पेश हुआ, वो बजट पेश हुआ 26 नवंबर 1947 को, आर के सन्मुखम चेट्टी द्वारा। जब आर के सन्मुखम चेट्टी द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो बजट की बात कर रही थी पार्लियामेंट में, जब बजट पेश हुआ तो सबको पता था कि बजट यानी पैसों का ट्रांसफर जो है, यानी पैसा आएगा, कुछ पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, कुछ हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करें, तो पब्लिक तक पैसे की सर्विस कैसे पहुंचाएं और पब्लिक से पैसे की सर्विस गवर्नमेंट कैसे ले, इन सारी चीजों के लिए हेल्प करने वाली थी बैंक। अब मार्केट में उस समय बैंक थी नहीं, क्यों नहीं थी, उसका रीजन, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद कुछ इस तरीके का पोर्शन था, खुद बड़ा बना दिया मैंने, छोटा बनाता हूं, ये हमारा भारत देश है, इसमें 10% भारत का हिस्सा अर्बन में आता था और सारी बैंकें उस समय 1947 अर्बन में काम करती थी, 90% हमारा रूरल एरिया रहता था, क्या रहता था बेटा, रूरल एरिया। अब रूरल में बैंकें नहीं थी तो रूरल के लिए तो बजट पेश हो रहा है, बजट में जो एक्सपेंडिचर कैपिटल है, बजट में अगर
आप एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर दो टाइप का है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रूरल में सबसे ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि रूरल में पानी की समस्या है, रोड की समस्या, लाइट की समस्या, सिक्योरिटी की समस्या, स्कूल की समस्या, फीमेल कह सकते हैं को बढ़ावा ना देने की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं कहां पर, रूरल में। पर रूरल में तो बैंक है ही नहीं। तब आरबीआई से गवर्नमेंट ने कह सकते हैं रिक्वेस्ट किया कि आप कहो बैंकों को कि रूरल में जाएं, पर आरबीआई के पास अथॉरिटी नहीं थी क्योंकि आरबीआई तो प्राइवेट थी। इसीलिए 1 जनवरी 1949 में आरबीआई की 100% शेयर कैपिटल परचेस कर ली किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसीलिए इस डेट को, इस सन को आरबीआई नेशनलाइज्ड मानी जाती है। क्लियर हुआ? नेशनलाइज का मतलब है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंडर, प्राइवेट शेयर होल्डिंग को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया तो वो क्या हो गई? नेशनलाइज्ड हो गई। आरबीआई नेशनलाइज हुई तो फिर बैंकों को मार्केट में भेजने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया कि भैया अब सारी बैंक आरबीआई के अंडर में काम करेगी। आगे की कहानी बहुत लंबी है पर वो नहीं बताएंगे। यहां तक तो क्लियर हुआ सबको? फटाफट से बताएं। नेहा पारिक कुछ लिख रही थी, सनी गुप्ता बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया सबको। अब क्वेश्चन जो था वो ये था कि आरबीआई जो है वो बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाई 1949, पर यहां पर कुछ आरबीआई ने दिया है कि आरबीआई ने एक एजेंसी बैंक बनाई, बंधन बैंक। एक क्वेश्चन यहां से, आरबीआई ने क्या बनाई? एक एजेंसी बैंक बनाई जिसका नाम है बंधन बैंक। एजेंसी बैंक का मतलब क्या है? देखो आपने देखा आरबीआई ने ना मार्केट को अपने हिसाब से तीन भागों में बांट रखा है। पहला भाग बांटा है रूरल में, तो रूरल के डेवलपमेंट के लिए उसने नाबार्ड को जिम्मेदारी दे दी। दूसरा बनाया उन्होंने अर्बन एरिया, जिसमें खुद आधा काम करती है, आधा काम एसबीआई से करा लेती है, और कुछ पार्ट जो बच रहा है वो बच रहा है हमारा मार्केट। मार्केट कौन सा? शेयर मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट। और ये कैपिटल मार्केट पूरा किसको दे रखा है इन्होंने? सेबी को। पर अब एक बात बताइए, आरबीआई के पास पैसा आएगा कहां से? टैक्सेस कहां से आएंगे? रेवेन्यूज कहां से आएंगे? एक्सपेंडिचर को कैसे आरबीआई मेंटेन करेगी? क्योंकि आरबीआई को भी तो सारा रेगुलेट करके चलना है, कंट्रोल नहीं करती आरबीआई। आरबीआई कभी मार्केट को या फिर कह सकते बैंकों को कंट्रोल नहीं करती। अगर कोई बताया तो गलत बताया। कंट्रोल करने का मतलब जानते हैं? कंट्रोल करने का मतलब था 100% गारंटी देना कि मेरे कंट्रोलिंग में पावर है, आपके साथ गलत नहीं हो पाएगा। 100% आरबीआई 100% आपके पैसों की गारंटी नहीं देता है। अगर 100% गारंटी देता तो आगे क्वेश्चन में बताने वाला हूं, और आगे बताने वाला हूं किसके बारे में? पीसी फाइनेंस के बारे में। और पीसी फाइनेंस क्या है इसको बताने से पहले जान लीजिए कि आरबीआई केवल मार्केट को रेगुलेट करता है, देखता है, मॉनिटर करता है कि भैया एनपीए ज्यादा ना हो, फालतू के पैसा लेंडिंग ना हो, प्राइवेट में जैसे कह सकते इन्वेस्टमेंट हो पर हमारी देखरेख में हो, क्योंकि इन्फ्लेशन ना मार्केट में बढ़ जाए, डिफ्लेशन ना आ जाए, रिसेशन ना आ जाए, डिप्रेशन ना आ जाए, स्टैगनफ्लेशन ना आ जाए, कोई भी कंडीशन जो मार्केट को कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स करने वाली है, मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, वो प्रॉब्लम मार्केट को नहीं होना चाहिए, इसीलिए आरबीआई रेगुलेट करती है। तो आरबीआई भी अपने फंड को मैनेज करवाती है किससे? एजेंट बैंक से, जिसको एजेंसी बैंक कहते हैं। तो आरबीआई ने अभी एजेंसी बैंक किसको बनाया है? तो बंधन बैंक को। क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो फटाफट से बताएं, हां या ना, फटाफट बताएं। आरबीआई के सारे ट्रांजैक्शन देखो इन्होंने बताया कि किसके थ्रू होंगे? बंधन बैंक के थ्रू होंगे। इससे एक और क्वेश्चन है, देखो आरबीआई को जब भी लगता है कि मार्केट में ना इनलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो आरबीआई किसी भी एनबीएफसी का या किसी भी बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रजिस्टर कैंसिल कर सकती है। और उसका भी मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि दूसरा पॉइंट है कि आरबीआई कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ पीसी फाइनेंस, जो एनबीएफसी है जो कैश बीन नाम के एप्लीकेशन को रन करती थी, किस लिए? लोन देने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लानों के लिए। ये कैश बीन नाम का जो एप्लीकेशन है ये पीसी फाइनेंस का था और आरबीआई ने इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब एक बात बताइए, जितने लोग पीसी फाइनेंस में इन्वेस्ट किए होंगे, लोन लिए दिए होंगे या डिपॉजिट उनके पास होगा, उनका पैसा अगर इसके पास फंस गया होगा तब क्या होगा?
इसीलिए तो कहा मार्केट को रेगुलेट करने का काम आरबीआई की, ना कि कंट्रोल करने का। अगर कंट्रोल करती तो 100 पैसा रिफंड वापस करती, नहीं फिर वो डीआईजीसीजी के थ्रू आपको गारंटी देगी, लेकिन कितने की? 5 लाख रुपया की। अगर पीसी फाइनेंस में जिसका पैसा फंसा होगा और आपको नहीं पता है तो 12 से 14 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन आरबीआई ने कैंसिल किया। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस साल कैंसिल हुए, समझ रहे हैं? इस साल सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं आरबीआई ने, और उसमें पीसी फाइनेंस एक है। और जिनका भी पैसा इसमें डूब गया होगा या फिर कह सकते हैं कि फंसा होगा पैसा, उनको आरबीआई 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर देगी, मैक्सिमम 5। जैसे किसी का 2 लाख डूब गया तो 2 लाख दे देगी, किसी का 6 डूब गया तो 5 देगी, 60 डूब गया तब भी 5 देगी। क्लियर? देखो भाई बहुत जोरदार कंटेंट है गुरु, ऐसा मार्क तुम समझ रहे ना, पूरा एकदम मिक्स करके लाया हूं कंटेंट, और अगली बार फिर कंटेंट लाऊंगा, बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत सारे सेशंस होंगे। बस सबसे जरूरी है एनर्जी, देखो तुम्हें खाने से मिलती होगी और मुझे तुम्हारे प्यार से, तो अपना प्यार बहुत जरूरी है भाई बनाए रखना। क्लियर? मैक्सिमम अप टू 5 लाख, बिल्कुल सनी गुप्ता जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब भी आप आरबीआई की बात करेंगे तो यकीन मानिए कि आरबीआई हमेशा हमेशा काम कर रही है इंडिया की ग्रोथ के लिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल मार्केट फिस्कल पॉलिसी को देखता है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है। फाइनेंशियल पॉलिसी कौन देखता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई कौन सी देख रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी। खैर चलते हैं आगे, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई है। अगला है SBI से रिलेटेड टर्म, SBI से रिलेटेड टर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे देश की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक कौन सी है? SBI है। क्यों है सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक? इसकी एक कहानी है, वो हम सुना सकते हैं पर समय कम है, इसीलिए हम आपको मिस्ट्री बताते हैं। जब SBI के एसोसिएशन प्लस भारतीय महिला बैंक का मर्जर हुआ SBI के साथ, तो इसकी कैपिटल बढ़ गई। और तुम्हें पहले से पता है SBI फुली गवर्नमेंट है, क्योंकि इसका खुद का एक्ट है, SBI एक्ट 1955। SBI का खुद का एक्ट होने की वजह से SBI खुलकर परफॉर्म करती है, और SBI ने अपने मार्केट में सेलिंग का काम, अपने मार्केट में पोर्टफोलियो पर काम, अपने मार्केट में बैंकर इंश्योरेंस पर काम, अपने अपने खुद के मार्केट के लिए कैसे ग्रो अप हो हमारे मार्केट का, इस पर काम करने के लिए एक वैकेंसी निकाली थी SBI CBO। कौन सी वैकेंसी निकाली थी? SBI CBO। इस SBI CBO के अंदर इन्होंने कहा सर्कल बेस्ड ऑफिसर की जॉब है, जिन बच्चों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या करेगी? जितना भी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा कि कैसे वो लोग LI कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड चिपका देते हैं, कैसे लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते हैं, कैसे सेविंग अकाउंट करते हैं, कैसे करंट अकाउंट FD DMAT इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सारी चीजों को बताने के लिए खुद ही SBI ने अपने पास 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों को हायर कर लिया, और धीरे धीरे इसका कैपिटल बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक। खैर ये मुद्दा तो एक हो गया कि अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक इंडिया में कौन सी है, तो आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल में फिर प्राइवेट भी आ जाएंगे और गवर्नमेंट बैंक भी आ जाएंगे, नेशनलाइज्ड बैंक भी आ जाएंगे, SBI। अब SBI हमेशा हर साल जब भी बजट पेश होता है तो उसके बाद GDP ग्रोथ क्या हमारे देश की होगी उसके बारे में अनाउंसमेंट करती है। जैसे निर्मला सीतारमण जी ने जब 1 फरवरी 2022 को हमारे इंडिया में बजट पेश किया 2022 और 23 का, ये बजट यूनियन बजट था, और जब ये बजट पेश हुआ तो उसमें बताया गया कि इस बार बजट का जो इंडिया का ग्रोथ रेट रहेगा वो 9.2% रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे ज्यादा ग्रोइंग, सबसे ज्यादा अनुमान देने वाले इस बजट में बात कही गई है कि 9.2% इस बार ग्रोथ रेट रहने वाला है इंडिया का। किसने कहा है? बजट ने कहा है, बजट ने अपना समीकरण बताया है और SBI ने अपना समीकरण बताया है, और SBI के अनुसार 8.8% क्या होगा? ग्रोथ रेट होगा। किसका? किसका ग्रोथ रेट होगा? हमारे इंडिया के GDP का। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहां रहेगा, ई रूपी का।
कि ई रूपी बाउचर का ऑफिशियल एक्वायरिंग पार्टनर कौन बन गया है। ई रूपी ये क्वेश्चन हालांकि ओल्ड है, ओल्ड मतलब मार्च मंथ का नहीं है, मंथ जरूर चेंज है, पर इंपोर्टेंट इसीलिए क्योंकि ऑप्शन में मैंने पेटीएम दे रखा था और आपको नहीं पता है पेटीएम के फाउंडर के बारे में, तो मैं बता देता हूं ये भी बहुत कमाल के आदमी थे। 12वीं पास, दिमाग लगाया, कॉलेज किया, दूसरी जगह जाकर कॉलेज करने के बाद एयरटेल में काम किया। एयरटेल में काम करने के बाद एयरटेल के मालिक को एक सजेशन देते हैं कि इंडिया अब डिजिटल होने वाला है। उनकी बात ना सुनने पर एक इन्वेस्टर ढूंढते हैं, इन्वेस्टर ढूंढने के लिए जापान जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तभी उनकी मुलाकात होती है जैकमा से, आपने सुना होगा। और जब उन्होंने ये बात सुनी, जैकमा ने उनकी बात सुनी, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, जैकमा ने जब उनकी बात सुनी तो जैकमा ने पेटीएम पे थ्रू मोबाइल से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। और आज आपको पता होगा पेटीएम के माध्यम से आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ अभी चार्जेस भी लेने लगे हैं। पर इनके ओनर का यानी सीईओ का नाम क्या है, तो सीईओ का नाम है विजय शेखर शर्मा, क्लियर। और ये इस समय ई रूपी बाउचर्स जो है, ई रूपी बाउचर है उनके एक्वायरिंग ऑफिशियल पार्टनर है कौन, पेटीएम। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब मैंने आपको विजय शेखर शर्मा के बारे में बताया, तो मैं ये बता रहा था कि आपके अंदर हौसला है क्या करने का, एक आम आदमी से एम्प्लॉय बनने का, एम्प्लॉय से मालिक बनने का, लेकिन वो सफर तय करने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और बिना मेहनत का मिला भी तो फिर क्या मजा है। वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पेश होने जा रहा है और सबका मैं आंसर चाहता हूं भैया, आंसर जरूर दें। अब यहां पर बुक की बात की गई है, ये बुक कौन सी है, द बुक द मिलेनियल योगी इज ऑथर्ड बाय हुम, किसके द्वारा लिखी गई है, मिलेनियल योगी मतलब हजारों साल बाद जिस योगी की बात हो रही, योगी आदित्यनाथ जी की नहीं बात हो रही, ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारे इंडियन आर्मी के ही चीफ है, मेजर है, उनके द्वारा लिखी गई है। क्या नाम है उनका, जल्दी से मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में प्लीज। कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में बहुत बढ़िया आंसर, बढ़िया आ रहा है सब, ये लिख रहे हैं, कुछ लोग गूगल कर ले रहे हैं, ये बात बता दें गूगल करने में रिस्क है। अब कह दोगे जहां रिस्क है वहीं इश्क है, तो भैया अगर आप गूगल कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए, आपको आंसर आता है तो बताइए, और अगर आप गूगल कर रहे हैं तो याद रखिए गूगल करने के बाद इसके बारे में जरूर पढ़िए कि बुक क्या है, क्या बता रही है बुक, ये जरूर पढ़िएगा। और नहीं हो तो गूगल पे बुक समरी, यूट्यूब पर बुक समरी भी सुन सकते हैं, और अगर पैसा खर्च करना चाहते तो परचेज करके भी देख सकते हैं, क्लियर। चलिए तो यहां पर आंसर है कौन, दीपम चटर्जी द्वारा लिखी गई है द मिलेनियल योगी, ऑथर की गई है बुक, और बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, विच बैंक विल बिकम द फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन इन ऑफिस द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी, यानी सिटी गिफ्ट की बात की गई है, और इसमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सी बैंक है जो इंडिया में मल्टीलेटरल एजेंसी ऑफिस ओपन कर रही, कहां पर, गुजरात के अंदर, कहां पर, गिफ्ट सिटी में। आप गिफ्ट सिटी क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले उस बैंक का नाम बताइए, जल्दी से बताइए बैंक का नाम, फटाक से बैंक का नाम फटाफट से बताइए भैया। एक मैडम एक लिख रही है कि फ्री में अगर चीजें मिल रही हूं तो कौन पैसा बिगाड़ेगा, यकीन मानिए मेरी पहली ही लाइन थी कि डोंट सेव द मनी,
If you want to save something, save your precious time. अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने हेयर्स पर करते हैं, हेयर्स पर मतलब एक शैम्पू लाते हैं, कंडीशनर लाते हैं, बालों पर खूब मलकर लगाते हैं, सिल्की सिल्की बाल बनाते हैं, याद रखिए इन बालों पर शैम्पू लगाने के लिए इस दिमाग की आवश्यकता होती है। अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये बाल कब उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए दिमाग पर इन्वेस्टमेंट करिए प्लीज। चलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक आंसर दिया है कुछ लोगों ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो आंसर देखते हैं और आंसर सही है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी कहां पर है तो गांधीनगर के अंदर है, कहां पर है गांधीनगर के अंदर है। अब एक बात यहां क्वेश्चन आता है कि गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्या है, क्या काम करने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने इस साल का बजट नहीं पढ़ा है तो बजट पढ़िएगा, और बजट पढ़िएगा तो बजट में पहला मतलब जैसे तोमर सर की टैगलाइन है ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत, ऐसे ही बजट की टैगलाइन है। बजट में टारगेट किया जा रहा है मैक्रो और माइक्रो कंपनीज को, किसको, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी के लिए। अब मैक्रो माइक्रो का मतलब भी आप समझते होंगे, काफी जाइंट यानी बड़ा, काफी छोटा, काफी छोटा मतलब दोनों इन्वेस्टर्स होंगे, कोई बहुत छोटा होगा कोई बहुत बड़ा होगा, इसको टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कर रही है, पहले इस चीज को समझिए, पहले इस चीज को समझते हैं कि हमारा जो भारत है क्या है, हमारा ये हमारा भारत है, थोड़ा सा 75 बन गया, हम फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, ये हमारा भारत है और ये भारत में लोग मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम होने की वजह से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी कम है, और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से कंपनीज भी कम है, और कंपनीज कम होने की वजह से हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जॉब्स कम है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह बात समझ में आ गई कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का होना जरूरी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, जैसे आपने कंपनी का नाम सुना होगा सैमसंग, फेक्सिकॉन, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, ये सारी जो कंपनी है ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। आपने एप्पल की कंपनी सुना होगा अगर फेक्सिकॉन, जो एप्पल के प्रोडक्ट बनाती है चाइना के अंदर, कहां बनाती है बेटा, ये है मान लो चाइना। यहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा हो रहा है, इस कहानी को समझते हैं, इस मार्कर से मैं पढ़ा रहा हूं, इस वैसे स्टाइलिश है फिर भी इसको मार्कर समझ लेते हैं, और मान लेते हैं कि इसकी कीमत मार्केट में 20 रुपए, लेकिन ये मार्केट में किस मार्केट में, जहां ये सेल हो रहा है, और हमारे इंडिया में सेल होती है चीजें क्योंकि हम लोग बाहर से परचेस करते हैं, और जब हम बाहर से चीज परचेस करते हैं तो हो सकता है कि ये हमारे यहां 20 रुपए का बिक रहा हो, तो हमने खरीदा होलसेल में हो सकता है 17-18 रुपए का, तो एक बात समझिए ये 17 से 20 का बिक रहा है मतलब 3 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब ये मार्कर चाइना में बना होगा तो हो सकता है 2 रुपए या 3 रुपए में बना हो। अब इस बात को समझिए, 2 रुपए से लेके 17 रुपए तक के गैप पे अगर देखा जाए तो 15 रुपए का बेनिफिट हो सकता है, मतलब जब भी कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो यहां इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको यहां प्रॉफिट कम होगा, आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, वही वो इन्वेस्टमेंट यहां करना चले जाएगा, क्यों करना चले जाएगा, एक बात को समझो, आपने ध्यान दिया पेटीएम में क्यों इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि पेटीएम नई कंपनी है, नई कंपनी का शेयर, छोटा शेयर कम पैसे में, बड़ा शेयर कम पैसे में मिल जाएगा, छोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे बड़ा पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये कंपनी जैसे जैसे ग्रो अप होगी, आपने जोमेटो का शेयर देखे होंगे, जिसने परचेस किए होंगे उसका देखो, जिसने क्रिप्टो करेंसी परचेस किए होंगे उसको देखो, क्यों, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एकदम माइंड रहता है ये सेट हम लोगों का कि हम लोग बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो एक्चुअली इन्वेस्टर होते हैं उनका दिमाग होता है कि हम छोटी कंपनी को इन्वेस्ट करें ताकि वो बड़ी हो तो बड़ा बेनिफिट हो, समझ रहे ना, इसीलिए आदमी बेचने पे नहीं बनाने पर बिलीव करता है, बनाने में बेचने में 15 रुपए का बेनिफिट, कितना भी लॉस होगा तो 2-3 रुपए तो 4 रुपए प्रॉफिट तो बना ही लेंगे, इसीलिए इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज में ज्यादा होता है, हमारी कंट्री में कम, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग बड़े, FDI बढ़े, FII बढ़े, QFI बढ़े, कंपनीज बढ़े, जॉब्स बढ़े, इन सब को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बजट 2019-20 में एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था PLI स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने 60 लाख न्यू जॉब दी है, कितने सेक्टर्स में, 14 सेक्टर में,
अभी 60 लाख न्यू जॉब दी और इस बार भी देने वाली है। क्यों? क्योंकि पीएलआई स्कीम के थ्रू बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, इंडिया में अपने प्लांट्स को ओपन करेंगी, और प्लांट्स को ओपन करने के लिए पीएलआई स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट 4 से लेकर 6% का क्या देने वाली है, इंसेंटिव देने वाली है उन कंपनी को, भारत वालों के लिए भी। क्यों? अगर वो माइक्रो है, वो मैक्रो है, तो हमारे देश की माइक्रो तो होंगी, वो देने वाली है। और ये पीएलआई स्कीम वैलिड रहेगी कब तक? 2019 से 2024 तक, 5 साल के लिए ये पीएलआई स्कीम है। 4 से 6% का इंसेंटिव मिलेगा। किन के लिए मिलेगा? कंपनीज के लिए मिलेगा जो अपने प्लांट्स हमारे देश में ओपन करेंगी। और सबसे ज्यादा टारगेट है कि हमारे देश में जो कंपनीज हो, जो कंपनी अपने प्लांट लगाए, वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली हो। जैसे हमारा रजिस्टर बने, डायोड बने, कैमरा बने, रैम बने, रोम बने, प्रोसेसर्स बने, ये सब पर गवर्नमेंट काफी टारगेट की है। और इसी वजह से हमारे देश का जीडीपी इस बार ग्रोथ होगा सबसे ज्यादा। क्लियर? फटाफट से बताएं, फटाफट। अब इस बात को समझिए कि गवर्नमेंट कह रही है कि इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे, इन्वेस्टमेंट मतलब करवा लेंगे। इन्वेस्टमेंट कराने के लिए गांधीनगर में क्या हो रहा है, मैंने फिर बताया, देखो, विच बैंक बिकम द फर्स्ट मल्टीलेटरल, मतलब गांधीनगर में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए गिफ्ट सेंटर खोला गया है। इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज जो हमारे देश में आएंगी, अगर उन कंपनी के बीच में क्लैश हो गया, तो ये क्लैश को सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन सेंटर होता है, और जो सिंगापुर में है, अब वो आर्बिट्रेशन सेंटर हमारे गांधीनगर में होगा। और गांधीनगर में किस जगह होगा? गिफ्ट सिटी के अंदर होगा। कहां होगा बेटा? गिफ्ट सिटी पर। जल्दी से बताओ, समझ में आई? गिफ्ट सिटी के अंदर, गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, उसके अंदर एक आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाएगा। जब दो कंपनीज के बीच में, या कंपनीज के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा, उनके समाधान बनाने के लिए आर्बिट्रेशन सेंटर कोई नहीं जाएगा सिंगापुर, वो आएंगे यहीं, और यहां पर मतलब हमारे देश में कंपनी इन्वेस्ट कर रही, तो हमारे देश में उनको समाधान मिल सके। क्लियर हुआ या नहीं? या सुनो फटाफट से। थैंक यू मंटू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के लिए। जल्दी से ये क्वेश्चन क्लियर आई होप हो गया होगा। गिफ्ट सिटी कहां पर है? गांधीनगर के अंदर है। अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन लिखा है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक भी कहते हैं इसको, एशिया डेवलपमेंट बैंक आंसर नहीं है। आंसर तो हो गया एनडीबी, लेकिन आंसर अगर एशिया डेवलपमेंट बैंक नहीं है, तो क्वेश्चन आया कि एशिया डेवलपमेंट बैंक ने हमारे देश में 2021 में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया? जल्दी से बताइए, हमारे देश के अंदर। चलो दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वर्ल्ड बैंक ने और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 2021 के अंदर, बताइए। 2021 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हमारे देश में? और इंडिया में एक प्रोजेक्ट के अंदर वर्ल्ड बैंक ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उसके बारे में जरूर आपको डिटेल से बताऊंगा। चलो, नहीं पता है, चलो कोई नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। चलिए तो आगे है, हाँ, तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिवॉर्ड प्रोजेक्ट पर, हमारे देश में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है भैया, इसके बारे में जान लें, रिवॉर्ड प्रोजेक्ट पर $115 मिलियन खर्च किया है। $115 मिलियन में 60 मिलियन कर्नाटका प्रोजेक्ट के लिए, 49 उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए, 49 मिलियन डॉलर रुपी डॉलर पर जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो कहां किया है? उड़ीसा में 60 मिलियन डॉलर कहां किया है? कर्नाटका में किया है। तो जो 6 मिलियन डॉलर बचा है, वो किसके पास है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट, कौन से, लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के अंदर। ये क्या है? जब भी किसी स्टेट, इन दो स्टेट में से अगर पैसे की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, तो वो डिपार्टमेंट उनको फाइनेंशियली हेल्प कर देगा। तो रिवॉर्ड प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक ने $115 मिलियन खर्च किया है हमारे देश के अंदर। एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी एशिया विकास बैंक ने हमारे इंडिया में 2021 में $4.6 बिलियन
इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना? 4.6 बिलियन डॉलर। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समय खराब ना करते हुए, हु हैज बिकम द सेबीज फर्स्ट वुमेन चीफ, रिप्लेस किया है जिन्होंने अजय त्यागी के लिए, हमारे देश की कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने अभी अजय त्यागी को रिप्लेस कर सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कौन बनी है, चीफ बनी है? फटाफट से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में प्लीज। आपके पास ऑप्शन में माधुरी पुरी मैडम भी है और इंदु भी है और इत्रा मैडम भी है और इत्रा देवेश भी है और सुष्मिता सेन भी है और कल्पना मोरपरिया भी है। जल्दी से बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में। और ये सबको पता होना चाहिए, एसएससी के चीफ भी पता होना चाहिए आपको। आंसर आ गया माधुरी पुरी बुच। देखो माधुरी पुरी बुच जो है वो सेबी की फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है जिन्होंने अजय त्यागी को रिप्लेस किया है। तो मतलब इसके पहले चीफ कौन थे? अजय त्यागी थे। किसके? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। ये करती क्या है सेबी? ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। अगर हम लोग बात करें, कई बात बोलते नहीं, अरे दुनिया में बहुत दुख है। कहां दुख है? दुनिया में नहीं, नहीं दुनिया में दुख नहीं, मार्केट में दुख है। किस में दुख है बेटा? मार्केट में। और मार्केट होता है दो प्रकार का, यहां इमोशन नहीं चलता, यहां मार्केट दो प्रकार का, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। इस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट भी बोलते हैं, फाइनेंस मार्केट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो भागों में बटा है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो सेबी है और मनी मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आरबीआई का यहां हस्तक्षेप नहीं होता है। मैंने अभी एक सांप सीढ़ी बनाई थी, बताया था आरबीआई, बगल में नाबार्ड बताया था, एसबीआई बताया था, सेबी बताया था, इन सबको अथॉरिटी दे रखी है कौन? आरबीआई। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा आरबीआई की निगरानी बहुत पैनी रहेगी। तभी देखिए ना आरबीआई है कहां, आप देखेंगे तो हर एक स्टेट के उसके क्या स्टेट के जो कैपिटल सेंटर है वहां पर रहेगी। लेकिन इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट क्यों निकालती है? क्योंकि वो सब्सिडरी चलाएगी, सब्सिडरी चलाएगी तो उसमें लोगों की जरूरत होगी। इन सारी चीजों पर नजर रखा जाएगा, एनपीए ना बढ़े, लेंडिंग ना हो जाए। ऐसा नहीं कि पैसा कोई भी लेंड करके चला जा रहा, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दे रहा, मन चाहा इन्वेस्टमेंट जब चाहे निकाल ले रहा, इन सब पर ध्यान रखेगी एमएसएस स्कीम के थ्रू। वो क्या है वो फिर कभी बता देंगे। तो आगे इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, हमने तीन चार लोगों के नाम लिख रखे हैं, जैसे इंदु मल्होत्रा, जैसे आपने देखा था ना अभी पीछे ऑप्शन में दिया हुआ था नाम इंदु मल्होत्रा। तो कौन है इंदु मल्होत्रा? तो आपको पता है ना अभी रिसेंट में पंजाब इलेक्शन से पहले मोदी जी जब पंजाब दौरे पे गए थे तो उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी। उस सिक्योरिटी ब्रीच में आपको पता चला होगा कि मोदी जी कई घंटे तक ब्रिज पर खड़े रहे थे, आपको ये भी पता होगा। उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की जो चीफ है वो कौन है? इंदु मल्होत्रा। क्लियर। अगला इत्रा देवेश, जो दूसरा ऑप्शन दिया होता, इत्रा देवेश कौन है? तो ये एमडी एंड सीईओ बनी है, किसकी? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एमडी एंड सीईओ इत्रा देवेश। ठीक है, चलो अगला है सुष्मिता सेन, कौन है? ऑप्शन में दिए थी तो इंटर कह सकते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का जो अवार्ड मिला है वो सुष्मिता सेन को मिला है। एस किशोर कौन है? एसएससी के चेयर, एसएससी के चेयरमैन एस किशोर। एस सोमनाथ कौन है? इसरो के चेयरमैन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। तो कुछ चेयरमैन के पर्सन के नाम भी हमने मेंशन कर दिए जिससे आपको पता चलता रहे। ये बात याद रखना, क्वेश्चन जरूर आपने 8 पढ़े हैं पर उस 8 क्वेश्चन के अंदर आपने 1.5 घंटे का कम से कम कंटेंट हमसे ले लिया है। क्लियर, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। देखो भाई मजा नहीं आ रहा हो तो फिर ऐसे सेशन में इतना एनर्जी डालने का मतलब नहीं है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे कमेंट लिखते रहे और वीडियो जब बंद हो जाए तब जरूर कमेंट लिखिएगा। हाँ वहां पर हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे। चलिए तो 12th वुमेन, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग जरूर लेंगे। पर एक क्वेश्चन है जो आप लोगों कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अर्जुन अवार्ड जो है हमारे देश में
अर्जुन अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो बंद हो जाए तब जरूर बताएं। आज हम लोग 9 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, वैसे क्वेश्चन स्लाइड में काफी मौजूद है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। तो 12th आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इज ऑल सेट टू बिगिन इन विच कंट्री, किस कंट्री में 12th यानी 12वां आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अब एक बात मुझे बताना बहुत ध्यान से, अभी आप जब गूगल की एडवर्टाइजमेंटिंग आप देखते होंगे यूट्यूब पर, तो आपने देखा होगा कि बोलने से सब कुछ होता, उसमें इसका बड़ा एडवर्टाइजमेंटिंग आ रहा है कि वुमेन्स की। देखो कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद देश में कहीं ना कहीं वुमेन्स को और यूथ को बढ़ावा तो मिला है, पर किस तरीके से मिला ये जरूर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो स्कीम जरूर पढ़िएगा गवर्नमेंट की, और स्कीम जरूर आती है, मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कभी आपका बड़ा मन करे अच्छी न्यूज सुनने का तो बहुत सारे लल्लन टॉप वीडियो आता है, सुनिएगा जरूर, ठीक है, प्रचार नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रही। खैर, आईसीसी जो 12वां आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किस कंट्री में होने जा रहा है, तो नाम है न्यूजीलैंड। इसके बाद हमने बहुत सारे अपने नेशनल जो अवार्ड, जो 6 अवार्ड है हमारे यहां पर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के इस एपिसोड के बाद अगर आपके पास समय है तो आप जरूर लिखिएगा इन 6 के 6 क्वेश्चनों के आंसर। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के किस किस को मिलता है, मतलब कौन बंदा है जो ये नेशनल अवार्ड पा सकता है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मका ट्रॉफी बोलते हैं इसको, और ये वाला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये 6 जो पुरस्कार यानी अवार्ड है, इन 6 अवार्ड किसके लिए मिलते हैं, उस अवार्ड में क्या प्राइस मिलती है, वो मेंशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और ये भी मेंशन करें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, और आप कह रहे होंगे कि सर 9 क्वेश्चन से कहां सिलेक्शन होगा, मैं भी जानता हूं, पर इसीलिए तो मैं आपको एक बार बता रहा हूं, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि आज हम इस पर एग्जाम शाला के टेलीग्राम चैनल पर फरवरी मंथ के महीने की फुल करंट अफेयर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो पूरे महीने के करंट अफेयर को फॉरवर्ड कह सकते हैं फॉलो करेगी। साथ ही साथ मुझसे जुड़े रहने के लिए, मतलब हरिन सिंह तोमर से जुड़े रहने के लिए आपको हर दिन इसी प्लेटफॉर्म पे 4 बजे आ जाना है। अब आप कहेंगे कि आप तो वीकली करंट आते हैं, हमसे कब जुड़ेंगे, जब हम सिलेक्ट होंगे। सेलेक्ट कब होंगे, जब हर दिन 4 बजे के वीडियो सेशन देखेंगे। तो आज आपने जनरल अवेयरनेस वीकली करंट अफेयर को मिक्स होकर देखा, और जैसे कल आपने इंग्लिश वोकैबुलरी का सिंटू सर द्वारा सेशन देखा था, उसके पहले मैथ्स के फैकल्टी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एग्जाम शाला को फाउंडर आशीष सिंह द्वारा मैथ्स देखा था, उसके पहले हमारा पहला सेशन वोकैब का ही था, फिर उसके बाद सुजीत सर द्वारा जीपीएससी के हेड है उनके द्वारा आपने देखा था रीजनिंग का सेशन, और बहुत बढ़िया इंग्लिश टीच करते हैं हमारे सिंटू सर, इमेज फॉर्म में वोकैबुलरी पढ़ाते हैं, बहुत मजा आता, मुझे तो बड़ा मजा आया था, मैं यहीं बैठा हुआ था एकदम स्टूडेंट की तरीके से, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था, और मतलब मैं समझ लो हिप्नोटाइज हो गया था उस सेशन में। तो ये सारे सेशन आप लोग जरूर देखिएगा हर दिन एग्जाम शाला के प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लोगों को जरूर बताएं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो लोगों में बांटने से और भी बढ़ जाता है। एग्जाम शाला का टेलीग्राम को फॉलो कर ले, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे इसी सेशन में। जाने से पहले मेरी वो 2 लाइनें जो मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोगों ने यूपीएससी का बहुत बड़ा सेमिनार कराया था अहमदाबाद में, मतलब बम्पर पब्लिक थी, और बम्पर स्टूडेंट अपने पास भी है, क्यों है, क्योंकि हम चयन कराते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं। मेरी टैगलाइन, मन के हारे हार मन के जीते जीत, कभी हार मत मानिए। और याद रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा कि वुमेन्स डे की स्पेशल कहानी जो स्मृति रानी द्वारा मैंने सुनी थी, और मैं वो कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे दुनिया में लोग हर चीज से लड़ जाते हैं, और उस चीज से कि मतलब जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप सफलता नहीं पा पाएंगे। पाने के लिए सफलता आपको खुद को लगना पड़ेगा, इंतजार मत करिए, जुड़ जाइए। और अगर आप ऑफलाइन हमारी क्लासेस एक्सेस कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन में जितना मजा आ रहा है, इससे और भी ज्यादा इंटरेक्टिव मजा आपको हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में दे रहे हैं अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत के अंदर। आप आए, एग्जाम शाला ज्वाइन करें, करना है तो, वरना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलता हूं, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो एग्जाम शाला को फॉलो कर लें, कहां पर,
EXAMSHALA एग्जाम शाला को फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां जहां आपके पास सोशल मीडिया हो। और अगर पर्टिकुलर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हरिंद सिंह तोमर के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं, कभी भी आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपकी बात सुनता रहूंगा। वैसे नाम मेरा यहां भी अवेलेबल है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप सभी ने इतनी देर मुझे सुना, इतनी देर तक मेरा साहस बरकरार रखा, और आज जब सेशन स्टार्ट हुआ तो हमको बड़ा अब डर सा लग रहा था कि अरे कैसे बोलेंगे कैसे, क्योंकि बहुत दिन से टीचिंग हमने किया नहीं था, पर हमको मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? टीचिंग ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी, अब ऑनलाइन भी होने शुरू हो गए, ऑफलाइन तो हम लोग सभी टीच कर ही रहे थे। आज बहुत मजा आया, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ आप एग्जाम शाला के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, जय हिंद।